नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं दैनिक जानकारी। दैनिक जानकारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे ज्यादा करने वाले कुछ अहम जानकारियां जो आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी। जानकारी की बात करें तो असम के ग्वालपारा जिले में पुलिस ने अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट और अंसुर अल्लाह बांग्ला टीम के दो समूह आतंकियों को गिरफ्तार किया। जानकारी की बात करें, बुलबुले पाकिस्तान नूर का निधन। भारत में भी मशहूर थी गायिका। पाकिस्तान की मशहूर गायिका नैयर नूर का रविवार को निधन हो गया। इनका कराची में इलाज चल रहा था। जानकारी की बात करें तो अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म फेयर पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म फेयर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए तैयारी कर ली है। इसका साझा उन्होंने इंस्टाग्राम के एक नोट पर साझा करते हुए लिखा। जानकारी की बात करें तो इंडिगो फ्लाइट का कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। 165 यात्रियों के साथ जा रही दिल्ली से कोलकाता आने वाले इंडिगो फ्लाइट का इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। जानकारी की बात करें तो डुबिन की बेटी का विस्फोट में मौत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर डुबिन की बेटी की दरिया मॉस्को में रविवार को रात विस्फोट में मौत हो गई। माना जा रहा है कि हमलावरों का निशाना अलेक्जेंडर थे, लेकिन दूसरी कार में सवार होने के चलते बाल बाल बच गए। जानकारी की बात करते तो श्री बांके बिहारी मंदिर के हादसे की जांच के लिए समिति का गठन। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी पर मंगला आरती के समय हुए घटना की जांच के लिए पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के नेतृत्व में जांच की समिति का गठन किया गया है। अलीगढ़ के मुख्यमंडल गौरव दयाल ने भी जांच की टीम को बतौर सदस्य में शामिल किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवस्थी के स्तर से इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया है। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और 4 बजे वाला सेशन देखना बिल्कुल ही मत भूलें। उसमें मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूं और जो आपके जीवन के लिए काफी अच्छी महत्वपूर्ण होती है और आपके नॉलेज को भी बढ़ाती है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।